अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आतुर से आपके निवेदन यही है जी, यहाँ हरियाणा में भी हमारे साथ दया किया जाए, गरीब के साथ। और आप आए हैं केजरीवाल साहब, आतुर के निवेदन है, इस गरीब परिवार के साथ दया करें। कुछ दिन पहले झज्जर के थाने में हुई ई रिक्शा चालक राजेश की मौत पर सियासी गलियारों में भी पहुंच गई है। हरियाणा के नेता हो या बाहर, सभी इसकी मौत पर राजनीति करने से गुरेज नहीं करते। इसी कड़ी में आज आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झज्जर रिक्शा चालक राजेश के घर पहुंचे और राजेश की फोटो पर पुष्प अर्पित कर राजेश को श्रद्धांजलि दी और राजेश की माँ से राजेश की मौत की असल वजह भी जानी। राजेश की माँ ने भी अरविंद केजरीवाल को वो सारी व्यथा सुनाई जिसके कारण राजेश की मौत हुई थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के आगे हाथ जोड़कर अपने बेटे की मौत से जुड़े सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि राजेश उसके घर में इकलौता ही था, उसी की कमाई से घर का गुजर बसर होता था। उन्होंने कहा कि झज्जर के रमेश वाल्मीकि पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से उन्होंने 2 लाख रुपए देकर गया था और ब्लैंक पेपर पर साइन करा लिए गए। उन्होंने कहा कि उसके ऊपर भी मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा रमेश वाल्मीकि ने मामले को दबाने की बात भी कही। बाद में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते वे कहा कि हरियाणा में दलितों का बहुत बुरा हाल है, ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों से उन्हें कोई भी लेना देना नहीं है। खट्टर सरकार से उन्होंने कहा इस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, जल्द से जल्द सीबीआई की जांच हो और मामले से जुड़े सभी अधिकारियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और उन्होंने इस परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी की मांग की ताकि राजेश के घर का गुजर बसर ठीक से हो सके। पुलिस थाने के अंदर एक तरह से उनकी हत्या की गई है, उसको मामले को दबाने की ये कह के कोशिश की जा रही है कि ये आत्महत्या का मामला था। जो बातें उन्होंने बताई उससे साफ साफ जाहिर है कि थाने के अंदर, पुलिस थाने के अंदर, जेल में कैसे कोई लटक के इस तरह से आत्महत्या कर लेगा। हमारी मांग है कि ये पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए और जिन पुलिस वालों ने ये किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको फांसी दिलाई जाए, ऐसी सज़ा दिलाई जाए कि आगे से कोई ज़रूरत ना कर सके इस तरह से किसी गरीब के साथ अत्याचार करने का। दूसरा, पूरे हरियाणा के अंदर दलितों के ऊपर इस तरह से जो भी हादसे हो रहे हैं, मैं खट्टर साहब से निवेदन करूंगा कि दलितों को सुरक्षा प्रदान की जाए, खासतौर से इस परिवार को सुरक्षा दी जाए और इनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और इनके घर से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और इन लोगों को न्याय। झज्जर से संजय थराण के साथ संजना छाबड़ा की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।